का पार्ट 11 है। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। How dare you, Jungkook? तू मेरे जिसको ऐसे कैसे हाथ लगा सकता है? ये कहके ते जंगकुक के हाथ से उस पेपर को छीन लेती है। ते की बहुत ज्यादा फीवर आया हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, इसलिए ते तुरंत ही उस पेपर को पकड़ के ही जंगकुक की गोद में गिर जाता है। ते प्लीज तुम आज मुझे तुम्हारी एक फ्रेंड की तरह ही सही तुम्हारा ख्याल रखने दो। ये कहके जंगकुक ते को उसकी बेड में ले आता है। प्लीज इस पेपर को मत खोलो। तुम शांत हो जाओ ते, मैं नहीं खोलूंगा। प्लीज ते शांत हो जाओ। एक्चुअली ते को लगा कि जेके ने उस पेपर को देखा ही नहीं, लेकिन जेके ऑलरेडी देख चुका था। इसके बाद जेके बहुत अच्छी तरह से ते का ख्याल रखा। मेरी वजह से जिमिना का कार एक्सीडेंट हो गया। बार बार क्यों मेरी वजह से जिमिना का इतना नुकसान हो रहा है? इसके बाद ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर बाहर निकलती है। डॉक्टर, जिमिना को क्या हुआ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? ओ ठीक है ना? आप लोगों का समझ नहीं आता, उनको इस टाइम ज्यादा टेक केयर करना चाहिए। एक हफ्ते में दो दो बार हॉस्पिटल आई है, इससे तो दोनों को ही खतरा हो सकता है। थैंक गॉड कि दोनों ही सेफ है। नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से ख्याल रखना। दोनों ही मतलब? मैं मादर और बेबी की बात कर रही हूँ। और हाँ, आधा घंटे बाद आप उनसे मिलने जा सकते हैं। डॉक्टर ये क्या क्या कर गई? जिमिना प्रेग्नेंट है? इसका मतलब क्या है? क्या ये बेबी मेरा है? उस इंसिडेंट का जस्ट 5 वीक हुआ है, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं सच में पापा होऊंगा। लेकिन अब क्या होगा? अब मैं कैसे सब कुछ संभालूंगा? सुबह की मेरा ये देखो रहा कल क्या हुआ था, मुझे कुछ क्यों नहीं याद आ रहा है। जेके जेके तू कब इतना बड़ा हो गया? जेके तू इतना प्यारा क्यों है? तू क्यों हर बार मुझे तेरी ओर खींचता है? मैं ना चाहते हुए भी तेरे प्यार में हर बार पड़ जाती हूँ। जेके अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बेटर फील कर रहे हो ना? रुको मुझे चेक करने दो तुम्हारा फीवर चला गया है क्या नहीं। जेके अब तुझे घर जाना चाहिए, अंकल आंटी फिकर कर रहे होंगे। नहीं, मैं मॉम डैड को फोन करके बता दिया था सब कुछ, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर रहने का परमिशन दिया है। तब भी तुझे घर जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ और सुबह आ जाए, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकती हूँ, तो जा। और थैंक यू मुझे इतने हेल्प करने के लिए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। जो भी है थैंक यू। जेके जिमिना अभी भी लापता है, उसका फोन स्विच ऑफ कह रहा है। क्या अभी भी उसका पता नहीं मिल रहा है? वो तो प्रेग्नेंट है, इस साल में वो कहाँ पर गई है? वो कोई मुसीबत में नहीं है तो? ते मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है, जिमिना कहाँ पर है?
टे के घर से बाहर निकल गई जेके जिमिना को बहुत बार कॉल करती है। अब मुझे जेके को पूरी बात कह देना चाहिए। मैंने जो इतना बड़ा गलती किया है उसके बारे में जेके को मुझे बताना ही पड़ेगा। ये सोचते सोचते सुगा जिमिना के फोन को अपना फोन समझ के ओपन कर देता है। ये छोटा भाई कौन है? ये मुझे इतना बार फोन क्यों किया है? ओह नो, ये तो जिमिना का फोन है। मतलब जेके ने फोन किया है? इसके बाद सुगा फोन उठा लेता है। जिमिना तू कहाँ पर है? तू कैसे है? तू इतने देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा था? तुझे पता है हम लोग तुझे लेके कितना ज्यादा फिक्र कर रहे थे? जेके मैं सुगा सुगा मतलब जिमिना कल रात तेरे साथ थी? वाह, तो फिर से जिमिना को यूज किया है ना? ची, तू इतना घटिया है। मुझे तो खुद पे गिल्ट हो रहा है। मैं तेरे जैसा फ्रेंड कैसे बना लिया था? जेके तू प्लीज अभी हॉस्पिटल में, तो बाद में जो कहना है जो करना कर लेना। हॉस्पिटल? क्या हुआ जिमिना का? मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद जेके हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है और इधर जिमिना का भी होश चलाता है। मैं हॉस्पिटल में क्या? नो, मेरा बेबी। मैम शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ आपके बेबी को, आप दोनों ही सेफ है। इसके बाद नर्स रूम से चली जाती है और सुगा अंदर चलाता है। जिमिना कैसी हो तुम? ठीक हो ना जिमिना? और देखिए, मुझे आपसे बात करने के थोड़ा सा भी मन नहीं है, तो प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। जिमिना, ये क्या मेरा बेबी है? ये कहते कहते सुगा जिमिना के पास आ रहा था। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं हुआ था, इसलिए जिमिना बहुत हद तक स्वस्थ हो गई थी। सो जब सुगा जिमिना के पास आने की कोशिश करता है, तब जिमिना बाहर जाने की कोशिश करती है। जिमिना, मैंने कहा इस बेबी का फादर कौन है? मैं तुम्हें कहना जरूरी नहीं मानती हूँ, मुझे प्लीज छोड़िए। तुम्हें मुझे कहना ही पड़ेगा। बताओ जिमिना, इस बेबी का फादर क्या मैं हूँ? जिमिना बताओ। सुगा मुझसे दूर जाओ। तुम मुझे बताओ नहीं तो। सुगा तू क्या कर रहा है? इसके बाद जेके जिमिना को लेके घर चलाता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ बोलो ना, मैं क्या करूं? रात में जेके अपने रूम में। गॉड, अब तेरे साथ ऐसा क्यों किया? गॉड, मुझे पता है तुम इस वजह से ही मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं आने दूंगा मैं। जेके माय चाइल्ड, तुम क्यों रो रहे हो? अंकल, आप? ये अंकल कौन है? इस स्टोरी में उनका क्या रोल है और उस पेपर में क्या था, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सांगा।